हर जगह पे यही खबरें थी और हर कोई सोच रहा था कि आज 30 जून में विंग इतना हाई करेगा जिसने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि विंग 1 रुपए को टच करेगा, कोई ये भी कह रहा था कि भाई विंग 1 डॉलर को भी टच करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो पंपिंग हमको विंग कॉइन में देखनी चाहिए थी वो किसी भी हाल में नहीं मिली। इसी वजह से क्या हुआ, जितने भी न्यू कमर्स थे जिन्होंने क्रिप्टो में अभी मार्केट में कदम रखा था उनमें एक मायूसी छा गई। बट विंग कॉइन क्यों पंप नहीं हुआ इसके बारे में बहुत कम लोगों ने रिसर्च किया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज अ रीजन बिहाइंड दैट व्हाई विंग कॉइन इज नॉट पंप टुडे। आई विल एक्सप्लेन यू। आज टोटल 13 इवेंट थे बट उस 13 इवेंट को पोस्टपोन किया गया, बताया गया कि ये 13 इवेंट्स 30 जून को नहीं होंगे और इसकी जो आने वाली डेट है वो अनाउंस की जाएंगी ऑफिशियली मेल पे, विंग कॉइन के बारे में कहा गया है। और उसकी वजह से क्या हुआ है, अभी आप मार्केट में देख रहे हो, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ विंग विंग लिंक आप अगर यहाँ स्क्रीन पे देखोगे तो अभी ये -10 इतना गिर्स की प्राइस, अभी इसकी प्राइस चल रही है भाई 0.00003 92 ये डॉलर में है। अगर इसकी मैं निकालू इसमें इंडियन करेंसी में तो आई थिंक ये 0.029 समथिंग ही रहेंगी। तो अब बहुत लोगों में मायूसी छा गई और वो ये कह रहे हैं कि विंग कॉइन बहुत खराब है, विंग कॉइन को हमको इतना जितना वैल्यू देना चाहिए था उतना नहीं देना चाहिए। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, अभी जो मार्केट है वो बेरिश है, अभी मोमेंटम बहुत डेंजरस है और मार्केट डेली डाउन ही होते जा रहा है। कुछ मोमेंटम आ रहे हैं, पंप हो रहा है कुछ दिनों के लिए, बट अभी जो मार्केट है कुछ क्वार्टर वाइज देखे जाए तो बहुत ही रिस्की है। इसी की वजह से विंग के जो फाउंडर है या फिर विंग के जितने भी पर्सन है उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, क्योंकि अभी के मार्केट में इसका जितना इफेक्ट होना चाहिए विंग के इवेंट का उतना नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने पोस्टमैन किया कि अगर एक बार ये बिटकॉइन जो है जो बेरिश चल रहा है हर जगह से जो खबरें आ रही है बिटकॉइन डाउन ही जा रहा है, एक बार बिटकॉइन स्टेबल हो जाए, जितने भी अल्ट कॉइन है वो स्टेबल हो जाए और अगेन उनका एक मार्केट बूम आने को तैयार हो, उस टाइम ये इवेंट जब आएगा तब आपको विंग में अच्छी खासी बढ़त मिलेगी और अगर आपने पैसा लगाया है तो विंग आपको प्रॉफिट देगा। रहा सवाल विंग में हमको किस तरह से देखना चाहिए, विंग में फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोग ना शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो बहुत लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है, मार्केट बेरिश है। अगर आप कोई भी कॉइन खरीदना चाहते हो राइट नाउ तो बहुत रिसर्च करके ही खरीदी करना, अदरवाइज हर जितने भी कॉइन्स हैं वो अभी बेरिश मूवमेंट ही चल रहे हैं। करना पड़ेगा उनको, क्या करना पड़ेगा, इस बेरिश मार्केट में एक मौका तलाशना होगा। अभी इस लेवल पे अगर आपने खरीदी किया ये विंग कॉइन जो 0.029 है इंडियन हिसाब से, अगर वो 1 भी जाता है तो आपके मिनिमम 30 से 35 गुना पैसा बढ़ सकता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा 2022 दिसंबर तक ये 1 रुपया जाएगा, कंफर्म पकड़ लो, क्योंकि विंग कॉइन है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अभी के लिए नहीं अच्छा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे इस इवेंट जो 13 इवेंट है उन्होंने जो पोस्टपोन किए है वो इवेंट के अनुसार भी अगर आप देखोगे तो आपको समझना चाहिए विंग का यूज है, किस में यूज है। जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है डाइस कर लीजिए या फिर किसी दो नेशन में अगर फुटबॉल है क्रिकेट है उसमें बेटिंग लीजिए, इसके लिए जो बेटिंग और विन के थ्रू किया जाता है और गेमिंग में सबसे ज्यादा गेमिंग में विन फेमस है, विन नंबर 1 है कॉइन अगर गेमिंग में देखा जाए। आपको ये भी मालूम होगा यूट्यूबर करोड़ों कमा रहे गेमिंग में, सिर्फ गेमिंग। तो विंग का फ्यूचर अच्छा है, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और आने वाले समय के लिए आप जितना जितना खरीदी कर सकते हो विंग कॉइन उतना खरीदी करके आप रखो। आप ये मत सोचो कितने में जा रहा है, आपको कितने कॉइन्स अभी मिलेंगे इस बेरिश मार्केट में वो तो जब ये बूम आएगा तो 1-1.5 साल के अंदर इसको 1 तो टच करना ही है, तो आपका पैसा कितना गुना बढ़ेगा और कितना प्रॉफिट बढ़ेगा वो भी आप सोचो। आज के वीडियो के लिए इतना है, अगर आपको लगता है कि विंग के बारे में और कुछ जानकारी रही छुट्टी छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत मुझे भूलना, और नेक्स्ट कौन से कॉइन पे वीडियो बनाऊं जो इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी चाहिए रिगार्डिंग आपके।